एक तो देख के लिखें हर ग्रुप, पहला ग्रुप, फिर दूसरा चेक करें कि भाई इसमें क्या प्रॉब्लम है और इसमें क्या है। कम से कम एक पेज डेली का लिखा जाए। उसके बाद अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास इंग्लिश की स्ट्रेट राइटिंग की क्लास है, जिसमें आप लोगों को इंग्लिश राइटिंग के कुछ ट्रिक्स आप लोगों से शेयर की जाएंगी। ये ट्रिक्स मैं आप लोगों से ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, बट मैं प्रॉपरली लेसन अपलोड करूँगा और आप लोग कोशिश करें कि जो आप लोगों को सिखाया जा रहा है उसकी प्रैक्टिस करें। विदाउट प्रैक्टिस आप कुछ नहीं कर सकते। तो आज की क्लास पेन से लेसन नंबर 1 है। चलें जी शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, सेंटर वाली 2 लाइंस के अंदर स्ट्रेट लाइन आएगी और जहाँ से स्टार्ट किया और जहाँ पे एंड किया वहाँ तक लेके जाना है, पेन को स्लिप नहीं करना। सेकेंड लाइन फर्स्ट 3 लाइंस के अंदर, थर्ड 1 लास्ट 3 लाइंस के अंदर। अब ये जो 3 लाइनें हैं ये आपका एंगल ठीक करेंगी। अगर आपने स्ट्रेट लिखना है तो इनको स्ट्रेट लगा लें, अगर आपने थोड़ा सा एंगल में लिखना है टेढ़ा तो आप इनको टेढ़ा ही लिख लें, लेकिन एक ही एंगल में लिखेंगे आप लोग। नेक्स्ट रूल नंबर 4, स्ट्रेट लाइन लगाई और यहाँ से पेन नहीं उठाना आपने, एक साइड को ये एंगल में लेके जाना है, जिससे ये मैं इस तरह दे। उसके बाद सेंटर से स्टार्ट किया, यहाँ से ये मूव सीधा कर देना, यहाँ से सेंटर से स्टार्ट करने के बाद सीधी लाइन लगा देनी है। नेक्स्ट सर्कल 2 लाइंस का सेंटर लेंगे और यहाँ से एंटी क्लॉक वाइज इसे हम रोटेट कर देंगे। नेक्स्ट है रूल नंबर 7, जे की शेप सीधी सीधी लगानी है और ये एक साइड को यहाँ से गोल कर लें या एक साइड को ऐसे स्लिप कर लें, ये शेप बनानी है आपने, इन दोनों में से कोई एक प्रैक्टिस कर लें। उसके बाद नेक्स्ट रूल नंबर 8 है, ये रूल्स भी हैं और ट्रिक्स भी हैं, अगर आप इनकी अच्छी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप यहीं से अल्फ़ाबेट्स बनते हैं, जिससे सर्कल फर्स्ट लाइन, उसके बाद सेकेंड लाइन सर्कल, सर्कल को हाफ आपस में सार ना जोड़ें सी बन जाएगा, नेक्स्ट डी बी ए भी आपस में, मतलब इन्हीं जो ट्रिक्स हैं इन्हीं ट्रिक्स से हम अल्फ़ाबेट्स बना सकते हैं। मैंने प्रैक्टिस की है, ज़रा मैं दिखा देता हूँ। जिस तरह ये प्रैक्टिस की जा रही है आप लोग इसी तरह प्रैक्टिस करें। एक तो देख के लिखें हर ग्रुप, पहला ग्रुप, फिर दूसरा चेक करें कि भाई इसमें क्या प्रॉब्लम है और इसमें क्या है, इन दोनों में प्रॉब्लम्स हैं या आपस में मैच नहीं है बिल्कुल भी। तो आपस में जब सेम आना शुरू होंगे तब आपकी राइटिंग ठीक होना शुरू होगी। कम से कम एक पेज डेली का लिखा जाए, उसके बाद जाके आप लोग इसको बेहतर कर सकते हैं। तो ये एक दिन की गेम नहीं है, ये चंद दिनों की गेम होती है। इस प्रॉपरली वर्क करते जाएं इंशाल्लाह इन रूल्स की वजह से आप लोगों के जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो ठीक हो जाएंगे। तो आप लोग इनकी प्रैक्टिस करें, तब तक प्रैक्टिस करें जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आती। ये जेल पेन, ये पेंसिल और ये पॉइंटर, इंक पेन के अलावा अगर आप लोग इनमें से कुछ यूज़ करना चाहते हैं तो आप लोगों को मैं जो रिकमेंड करूँगा वो मैं पॉइंटर करूँगा, कि आप अगर इंक पेन से नहीं लिखना चाह रहे तो आप पॉइंटर इस्तेमाल कर लें, और अगर आप पॉइंटर और पेन नहीं इस्तेमाल करना चाह रहे, पेंसिल यूज़ करना चाह रहे हैं या जेल पेन यूज़ करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए आप लोगों को फिर अच्छी खासी प्रैक्टिस करना पड़ेगी। पहले आप इनसे पेन या पॉइंटर से प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद आप जेल पेन और पेंसिल वगैरह पकड़ लें, उसको प्रैक्टिस करें, अपने हाथ में बिठाएं। जब आप अपने हाथ पे बिठा लेंगे अच्छा खासा तो आप फिर इनसे भी लिख सकते हैं। ये जेल पेन से और ये पेंसिल से और ये पॉइंटर से है, पेन से हम ऑलरेडी पीछे लिख चुके हैं। जो ग्रिप है इनमें सबसे अच्छी वाली वो पेन, इंक पेन और पॉइंटर की है। इंशाल्लाह मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।